अस्सलाम वालेकुम, कैसा हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पीसी में जो एमएस एक्सेल की फाइल्स होती हैं, तो उस फाइल का जो डेटा होता है वो किस तरह आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपनी रिएक्ट ऐप में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये मेरी एक एक्सेल की फाइल है और ये जो डेटा है ये मैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपनी रिएक्ट ऐप में डिस्प्ले करवाऊंगा। तो अभी मेरे पास कोई फाइल सिलेक्टेड नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नो फाइल सिलेक्टेड शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कोई एक्सेल की फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास यही फाइल है। तो अब अगर मैं सबमिट के बटन पर टैप करता हूँ, तो इस फाइल का डेटा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होके मुझे यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पर मैंने वैलिडेशंस भी लगाई हैं कि यूज़र सिर्फ एक्सेल की फ़ाइल सिलेक्ट करे। अगर मैं कोई दूसरी फाइल टाइप चूज़ करता हूँ, जैसे कि कोई इमेज का फॉर्मेट, तो यहाँ पे मुझे वैलिडेशन शो हो जाएगी कि प्लीज़ सिलेक्ट ओनली एक्सेल फाइल। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो वापस यहाँ पे मुझे नो फाइल सिलेक्टेड शो हो जाएगा। अगर इस एरर को हमें रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ पे वापस एक्सेल की फ़ाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो फाइल है इसकी जो रॉस है वो 50 है, ये एक दूसरी फाइल है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक्सेल फाइल का डेटा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर शो हो गया और इस फाइल की जो रॉस थी वो 50 थी। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग के जिस फाइल का डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपनी रिएक्ट ऐप में डिस्प्ले करवाना है, तो मेक श्योर कि आपकी एक्सेल की फाइल में एक यूनिक रॉ हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आईडी है, तो यहाँ पे मेरे पास हर कॉलम की आईडी डिफरेंट है, 1, 2, 3 एंड टिल 9। ये इसलिए कि जब आप इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये डेटा डिस्प्ले करवाना होगा अपनी रिएक्ट ऐप में। तो जब हम इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। तो जब आप इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर मैप के स्टेटमेंट चलाएंगे, तो इस मैप की स्टेटमेंट में आप जेएसएक्स रिटर्न करेंगे, तो उस जेएसएक्स में आपको की प्रॉप प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस तरह ये देखें, मैंने एक एक की प्रॉप पास कराया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है इंडिविजुअल एक्सेल डेटा डॉट आईडी, ये मैंने यही वाली आईडी प्रोवाइड की है। और ऑफ कोर्स जो की प्रॉप होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर एस वैल्यू लेता है। इसके साथ आपको एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपकी कोई रॉ दो वर्ड्स पर बेस करती है, कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है विच कंटेन्स टू वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट फर्स्ट नेम और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लास्ट लास्ट नेम है, तो यहाँ पे हमारे पास वाइट स्पेस है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास वाइट स्पेस है यहाँ पे, तो आपको ये वाइट स्पेस रिमूव करना होगा, क्योंकि जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ अपनी रिएक्ट ऐप में करेंगे, इस तरह अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एरर शो हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है आपने कि आपकी एक्सेल के फाइल में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो आप स्पेस रिमूव कर दें। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द ट्यूटोरियल। तो मैंने ये रिएक्ट ऐप क्रिएट कर ली है और यहाँ पर मैंने जो भी मेरे पास अननेसेसरी फाइल्स थी, लाइक ऐप सीएसएस लोगो, तो वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी हैं। यहाँ पर मेरे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल ओपन है, वो इसलिए है कि मुझे आपको बताना है कि मैंने बूट स्ट्रैप का यूज़ किया है अपनी यूआई में। तो अगर आप भी बूट स्ट्रैप का यूज़ करना चाहें, तो अपने टर्मिनल में npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप करके ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बूट स्ट्रैप की css अपनी index.js की फाइल में इम्पोर्ट करनी होगी। इसके अलावा जो हम अपना एक्सेल का डेटा जेसन फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो वो हम यूजिंग दिस पैकेज कर रहे हैं, xlsx। xlsx शीट js का पैकेज है और ये शीट js का कम्युनिटी वर्जन है जो कि फ्री टू यूज़ है। इसके अलावा इनका एक और वर्जन है प्रो वर्जन, जो कि पेड है लेकिन उसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ऑफ कोर्स हम कम्युनिटी वर्जन
एक्सएल एस एक्स जो कि फ्री टू यूज है वो यूज करने जा रहे हैं, तो आप यूजिंग दिस कमांड एन पी एम आई एक्सएल एस एक्स इसको अपने टर्मिनल में टाइप करके ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पैकेज आप इंस्टॉल कर लें एक्सएल एस एक्स। ये मेरे पास कुछ 13 लाइन्स का सी एस एस कोड है। आप सी एस एस के लिए इस वीडियो पर नहीं आए आई बिलीव, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ बिफोर राइटिंग फंक्शनल कोड टू कन्वर्ट अवर एक्सेल डेटा इन टू जेसन फॉर्मेट, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस ऐप कंपोनेंट। यहाँ पर मैंने यूज स्टेट इम्पोर्ट किया है क्योंकि हम स्टेट्स यूज करेंगे। इसके बाद मेरे पास ये एक कंपोनेंट है डेटा, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरे पास जो स्टेट है एक्सेल डेटा सेट एक्सेल डेटा इक्वल टू यूज स्टेट नल, ये स्टेट बाय डिफॉल्ट नल है, लेकिन जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमें इस स्टेट में एक्चुअली दिस स्टेट विल कंटेन अवर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा जो एक्सेल का डेटा होगा जब हम उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट जो हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा वो हम इस स्टेट में सेव करवाएंगे। HTML में हमारे पास एक डिव है विद क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर, ये एक पैरेंट डिव है जो कि यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इस पैरेंट डिव के अंदर दो सेक्शंस हैं, एक अपलोड फाइल सेक्शन और एक व्यू फाइल सेक्शन। अपलोड फाइल सेक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्म है, व्यू फाइल सेक्शन के अंदर हम कंडीशनल रेंडरिंग करा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिव है विद क्लास नेम इक्वल टू व्यूअर जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इस डिव के अंदर मेरे पास जो कंडीशनल रेंडरिंग है, पहले ये कंडीशन है हमारे पास कि अगर एक्सेल डेटा हमारे पास नल है तो हमें ये शो कराना है नो फाइल सिलेक्टेड। ये एक्सेल डेटा हमारे पास ये स्टेट है जो कि बाय डिफॉल्ट नल है, लेकिन जब हम अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो एक्सेल डेटा में हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, तो इसका मतलब हमारी जो स्टेट है वो नल नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल रेंडर करा रहे हैं। डिव क्लास नेम इक्वल टू टेबल रिस्पॉन्सिव, देन मेरे पास टेबल का टैग है, देन मेरे पास टी हेड, देन टी आर के अंदर मेरे पास टी एच है। ये मैंने हार्ड कोड किया हुआ है, ये वही है जो इससे टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर कंट्री एज डेट। देन मेरे पास टी बॉडी है, टी बॉडी में मेरे पास एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है डेटा, और इसमें मैं जो मेरे पास स्टेट थी एक्सेल डेटा वो मैंने यहाँ पे पास करा दी, ये डेटा मैंने एट दी टॉप यहाँ पे इम्पोर्ट किया हुआ है। और इस डेटा कंपोनेंट में मैंने ये स्टेट जो कि मेरे पास एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो मैंने यहाँ पे पास करा दी। तो इतना सेक्शन, अभी हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस इनपुट फील्ड के इवेंट पर काम करना है। ये मेरे पास यू क्यों आ रहा है, आई थिंक आई जस्ट नीड टू रिफ्रेश दिस पेज, अब चला गया। तो इस इनपुट फाइल के इवेंट पर काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक ऑन चेंज इवेंट क्रिएट कर देता हूँ, ऑन चेंज इक्वल टू हैंडल फाइल। ये हैंडल फाइल का फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो भी हम फाइल सिलेक्ट करेंगे वो हम इस सिलेक्टेड फाइल के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल कोड है कि अगर हमारे पास वो फाइल होती है तो हमें क्या करना है, और अगर नहीं होती तो हमें क्या करना है। अगर हमारे पास फाइल नहीं होती तो यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल करा देता हूँ कि प्लीज सिलेक्ट योर फाइल। अगर हमारे पास ये फाइल होती है तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ कि सिलेक्टेड फाइल डॉट टाइप। नाउ लेट्स चेक दिस। ये मैं एक्सेल की फाइल सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको, अब ये मैं कंसोल में गया तो यहाँ पे मुझे ये फाइल, इसकी जो टाइप है वो शो हो गई। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे वैलिडेशन में लगानी है और यूज़र को सिर्फ एक्सेल की जो फाइल्स हैं वो अलाउ करनी है। तो जो फाइल हमें शो हुई थी वो हमने इस एरे में प्रोवाइड कर दी। अगर आपके पास कोई और भी एक्सेल की फाइल है तो आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल की फाइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे आप कॉमा मार्क करके आप दूसरी फाइल टाइप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें ये कंसोल नहीं कराना, यहाँ पे मैं एक और कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर हमारे पास सिलेक्टेड फाइल होती है, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन प्रोवाइड करूंगा कि एंड एंड फाइल टाइप डॉट इंक्लूड्स सिलेक्टेड फाइल डॉट टाइप। इस कंडीशनल का मतलब यह है कि हमारे पास फाइल तो होनी ही चाहिए, लेकिन फाइल की जो टाइप है वो भी इस टाइप से मैच करनी चाहिए। जो भी इस एरे में डिफाइंड है तो हमारी फाइल की टाइप भी वही होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, और अगर ऐसा नहीं होता, यूजर कोई दूसरी फाइल सिलेक्ट कर लेता है तो हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें स्टेट्स बनानी होंगी। ये एक्सेल फाइल की स्टेट है और इसके बाद में एक एरर की स्टेट भी बनाऊंगा। एक्सेल फाइल एरर, सेट एक्सेल फाइल एरर, ये दोनों स्टेट्स बाय डिफॉल्ट नल होंगी। तो अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं करती और यूजर कोई दूसरी फाइल टाइप सिलेक्ट कर लेता है अदर देन एक्सेल फाइल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट एक्सेल फाइल एरर, यहाँ पे हम यूजर को मैसेज शो कराएंगे कि प्लीज सिलेक्ट ओनली एक्सेल फाइल टाइप्स। और इसके बाद जो हमारे पास एक्सेल फाइल होगी उसको मैं नल कर रहा हूँ। ये जो एक्सेल फाइल है ये बाय डिफॉल्ट नल ही है। अगर हमारी कंडीशन मैच कर जाती है और यूज़र कोई एक्सेल की टाइप ही सिलेक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, रीडर डॉट रीड एस एरे बफर। अपनी एक्सेल की फाइल को एरे बफर कन्वर्ट करने के लिए हमें ये मेथड यूज़ करना है, रीड एस एरे बफर, और इसमें हम अपनी जो फाइल है वो प्रोवाइड कर देंगे। अब यूजिंग दिस मेथड हमारी जो सिलेक्टेड फाइल है वो एरे बफर में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम कर सकते हैं सेट एक्सेल फाइल एरर, इसको मैं नल कर देता हूँ, और जो हमारे पास एक्सेल फाइल है उसको मैं कर देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट। यहाँ पे मैं अपनी एक्सेल फाइल को कंसोल कर देता हूँ। अभी हमें ये नल शो हो रहा है क्योंकि हमारी जो एक्सेल की फाइल है वो नल ही है। अब मैं कोई एक्सेल की फाइल सिलेक्ट करता हूँ, मैं ये फाइल सिलेक्ट करता हूँ एक्सेल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो एक्सेल की फाइल है वो एरे बफर में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें इस फाइल को सबमिट करना है और यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना है जहाँ पे अभी हमें नो फाइल सिलेक्टेड शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑन सबमिट का इवेंट
अगर कराऊंगा ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल सबमिट, यहाँ पे हम सबमिट का कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक्सेल फाइल नल नहीं होती तो हमें क्या करना है, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेल फाइल नल होती है तो हमें क्या करना है। अगर हमारे पास एक्सेल फाइल नल होती है तो हमारे पास ये जो स्टेट है एक्सेल डेटा, ये हम नल कर देंगे जो कि ऑलरेडी नल है। हमारी जो एक्सेल फाइल है वो उस वक्त नल होगी कि जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, तो जो स्टेट है हमारे पास वो नल है। इसके अलावा हमारी जो एक्सेल फाइल है वो उस वक्त नल होगी कि जब यूज़र कोई डिफरेंट फाइल टाइप सिलेक्ट करता है, तो हमारी जो एक्सेल फाइल है वो नल हो जाएगी। तो अब जबकि हमारे पास एक्सेल फाइल नल नहीं है, तो अब हमारे पास जो काम शुरू होता है वो ये होता है कि हम अपनी जो एक्सेल फाइल है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए अब हमें XLSX के पैकेज की नीड होगी। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा XLSX का पैकेज। तो इस पैकेज की जितनी भी सर्विसेज थी वो मैंने इम्पोर्ट कर ली है यूजिंग दिस स्टेरिक। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक वर्कबुक क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी एक्सेल फाइल और इसकी हमें टाइप भी प्रोवाइड करनी है। तो टाइप क्या है हमारे पास, बफर। इसके बाद हमें वर्कशीट नेम प्रोवाइड करना है। तो जो भी हमारी फाइल का नेम होगा वो हमने, जैसे इस फाइल का जो भी नेम है वो हमने, जो करंट है टॉप मोस्ट है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, और वो जो नेम है वो इसमें सेव हो गया इस वेरिएबल में। अब हमें वर्कशीट रेडी करनी है। अब हमारी जो एक्सेल की फाइल है उसकी जितना भी डेटा है इंफॉर्मेशन है वो इस वेरिएबल में सेव है। तो अब हमें इस वेरिएबल को करना है कन्वर्ट जेसन फॉर्मेट में। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मेथड है शीट टू जेसन, और इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे अपना तमाम डेटा जो कि सेव है वर्कशीट के वेरिएबल में। इन द एंड हमें क्या करना है, हमें सिर्फ करना है सेट एक्सेल डेटा और इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे डेटा। तो अब ये जो हमारे पास एक्सेल डेटा है ये मैंने एज अ प्रॉप पास कराया है इस डेटा कंपोनेंट में, और ये डेटा कंपोनेंट मैंने रेडी कर दिया था। और इस एक्सेल डेटा पर मैंने सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर रिसीव किया, देन मैंने इस एक्सेल डेटा पर मैप के स्टेटमेंट चलाया है, कॉल बैक में मैंने लिया है इंडिविजुअल एक्सेल डेटा। अब यहाँ पे मेरे पास एक टी रॉ है क्योंकि हम टेबल टैग का यूज़ कर रहे हैं, और इस इंडिविजुअल डेटा में मैंने ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये मैंने एज अ प्रॉप पास करा दिया, और इस टी आर को मैंने की प्रॉप पास कराया है इंडिविजुअल एक्सेल डेटा डॉट आई डी। ये मैंने कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये प्रॉप रिसीव किया इंडिविजुअल एक्सेल डेटा, और इसके बाद मैंने ये प्रॉप रेंडर करा दिया। इस प्रॉप में मेरे पास आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, कंट्री है, एज है, डेट है, जो भी मेरे पास यहाँ पे था वो ही मैंने
यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। इसके अलावा एक चीज़ हमें और करनी है, वो ये कि एक्सेल फाइल एरर यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। अगर हमारे पास एक्सेल फाइल एरर होता है तो एक डिफ के अंदर हम ये एक्सेल फाइल एरर शो करा देंगे, और इसको हम क्लास देंगे, क्लास नेम इक्वल टू टेक्स्ट डेंजर। इसको एक स्टाइल भी प्रोवाइड करेंगे, स्टाइल इक्वल टू मार्जिन टॉप 5 पिक्सल्स। नाउ लेट्स सी एंड चेक अवर ब्राउजर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल टाइप सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैलिडेशन शो हो गई। और अब मैं कोई एक्सेल की फाइल ही सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास जो एरर था ये हाइड हो गया। और मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेल का डेटा था वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होके मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप जिस मकसद के लिए इस वीडियो पर आए थे वो आपका पूरा हो गया होगा। आप इस फंक्शनैलिटी को अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अब किसी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।